हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विशाल और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से जीमेल अकाउंट को कैसे रिमूव करेंगे। अगर आपने अपने फ़ोन में एक से ज़्यादा जीमेल आईडी को लॉगिन कर रखा है तो वहां पे अगर आप चाहते हैं किसी एक जीमेल आईडी को वहाँ से रिमूव करना तो आप कैसे रिमूव करेंगे, इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सबसे पहले अपना जीमेल अकाउंट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने जीमेल को ओपन कर लिया और मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मेरे फ़ोन में कितनी जीमेल आईडी लॉगिन है। ये मैंने टैप कर दिया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में मल्टीपल जीमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे किसी एक भी जीमेल आईडी को अगर लॉग आउट करता हूँ तो मेरे फ़ोन में जितनी भी ईमेल आईडी लॉगिन है वो सारी की सारी लॉग आउट हो जाएगी। लेकिन मुझे लॉग आउट नहीं करना है, मुझे इसमें से एक ईमेल आईडी को रिमूव करना है, या फिर आप एक से ज़्यादा भी रिमूव कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पे आ जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस, ठीक है, यहाँ पे आपको ओके करना है। और उसके बाद अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो ये ऑप्शन आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा। अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन नहीं है तो यहाँ पे आपको गूगल का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको सिंपली गूगल पे टैप करना है तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, जितने भी ईमेल आईडी लॉगिन होंगे ना वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें से किसी भी जीमेल आईडी को रिमूव करना है, आपको सिंपली उस पर टैप कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लास्ट वाले जीमेल आईडी पे टैप कर देता हूँ, ये मैंने टैप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सैमसंग का फ़ोन है तो यहाँ पे रिमूव अकाउंट का ऑप्शन आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आपका कोई और फ़ोन है, रेडमी है, रियलमी है या फिर कोई और फ़ोन है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आप जैसे ही ईमेल आईडी पे टैप करेंगे तो वहाँ पर आपको नीचे मोर का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, मोर का ऑप्शन नीचे दिखाई देगा या फिर आपको ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे आपको रिमूव अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिमूव अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नीचे रिमूव अकाउंट कर देना है। ठीक है, तो ये जो अकाउंट है ये यहाँ से रिमूव हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लास्ट वाला जी मेल आई डी यहाँ पर रिमूव कर दिया है। और अगर आपको और भी कोई यहाँ पर रिमूव करना है तो आपको सिंपली उस पर टैप करना है। यहाँ पर फिर से मैंने लास्ट वाले जी मेल आई डी पर टैप कर दिया, ठीक है, और मेरे पास ये डायरेक्ट रिमूव अकाउंट का ऑप्शन आ गया। अगर आपके फ़ोन में नहीं आएगा तो थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको रिमूव का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे रिमूव अकाउंट पे क्लिक कर देंगे और नीचे रिमूव अकाउंट कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो जी मेल आई डी को यहाँ पर रिमूव कर दिया है। अगर आप चाहें, अगर आपके फ़ोन में मल्टीपल जी मेल आई डी लॉगिन्स हैं तो आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अब मैं वापस बैक आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने जीमेल पे टैप कर दिया और अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरे यहाँ पे अब तीन ही जीमेल आईडी, चार जीमेल आईडी लॉगिन है, इसके पहले छः थे, अब यहाँ पे चार है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से किसी भी जीमेल आईडी को बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हो बिना लॉग आउट किए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। थैंक यू।